गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल इज अ क्लासेस में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि झारखंड के खेल कूद से 10 नंबर कवर करेगा और इसलिए ये चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है। दो पार्ट में बना चुकी हूँ, स्टेडियम के बारे में भी बना चुकी हूँ। आज फिर आगे देखते हैं झारखंड के खेल कूद में झारखंड की खेल नीति। झारखंड की जो खेल नीति है वो 2007 को लागू की गई। इसके अंतर्गत कुछ उद्देश्य रखे गए ताकि खेल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक एक पहचान बनाया जा सके और इसको और इसमें क्या कमियां इसको सुधार करके और अच्छा बनाया जा सके। तो उद्देश्य क्या था, खेल को व्यापक बनाना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना। उसके अलावा माध्यमिक स्तर तक के शैक्षणिक पाठ्यक्रम, जो माध्यमिक स्तर तक के जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम में है उसमें खेल को भी जोड़ना है ताकि वहां से भी बच्चे में जागरूकता बढ़े। नेक्स्ट है खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाए ताकि उसे अच्छा फील भी हो और आरक्षण मिलने से फायदा भी है। महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित, जो महिलाएं खेल में पार्टिसिपेट करती है उसको प्रोत्साहन भी दिया जाए। नेक्स्ट है विकलांग व्यक्तियों की छूट, विकलांग व्यक्ति है जो खेल में भी इंटरेस्ट रखते हैं उसको भी एक विशेष छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है देशज और पारंपरिक खेलों में प्रोत्साहन, जो देशज खेल है और पारंपरिक खेलों है उसमें भी प्रोत्साहन दिया जाए। नेक्स्ट है खेल महाकुंभ 2018 रांची। तो जो खेल महाकुंभ है 2018 रांची में हुआ है, इसकी जो शुरुआत हुई है 2016 में हुई है और तीसरा खेल महाकुंभ 2018 को हुआ और ये हमारे रांची में हुआ। कब से कब हुआ, 19 मार्च से लेकर 24 मार्च तक। कहाँ हुआ, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेलगांव में। इसमें एक्चुअली ये जो खेल महाकुंभ है इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उस बच्चे की उम्र होती है 8 से 12 साल। और कितने बच्चे इस खेल महाकुंभ में पार्टिसिपेट किए तो 1,79,000 यानी 1,89,000। अब जानेंगे 23वां सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप। जैसा कि आप लोगों को पता ही है झारखंड जो है तीरंदाजी में काफी अव्वल नंबर है। दीपिका कुमारी का नाम तो काफी ही ज्यादा चर्चित रहा। तो 10 अप्रैल 2016 को झारखंड के खरसावां जिला में अर्जुन स्टेडियम में संपन्न झारखंड का तीरंदाजी सब, मतलब यहाँ पे जो अर्जुन स्टेडियम है वहां पे तीरंदाजी बैट्समैन आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और ये किसके द्वारा, झारखंड तीरंदाजी संघ के द्वारा। इसमें झारखंड ओवरऑल चैंपियनशिप रहा, मतलब झारखंड ही ओवरऑल चैंपियन रहा, जीत उसी की रही और उप विजेता रहे मणिपुर, झारखंड ओवरऑल चैंपियन। और जो झारखंड से मुख्य रूप से जो प्लेयर थे वो अनीता कुमारी थी और सेना में एम राजीव थे जिन्होंने स्वर्ण पदक को हासिल किया। इतना ही जानना है, बहुत डिटेल नहीं जानना, तो इतना ही जानिए और परफेक्ट अपने माइंड में रखे। नेक्स्ट है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। देखिए यदि कोई भी खिलाड़ी खेलते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, यदि उसको एक आरक्षण दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, तो वो और भी मन लगा करके इस ओर रुझान करेंगे और अपना पहचान काफी राष्ट्रीय और आगे देशों तक बनाएंगे। तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हुए सभी राज्य स्तर पदों और सेवाओं की रिक्तियों के में खेलकूद का कोटा के अंतर्गत 2% पद को प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के आरक्षित कर दिया गया। मतलब ये प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने यह कहा कि 2% जो है प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किया जाए। उसके बाद 2014 में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली भी बनाई और इसी में और कहा जा रहा है कि खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को निम्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो वो कौन कौन से विभाग है, तो गृह विभाग, ग्रामीण विभाग, विकास विभाग, पंचायत राज विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग, हो सकता है और उसने लास्ट है कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि खेलों को पदक जीतने वालों को किन रिक्त पदों पे नियुक्तियां की जाती है,
तो गृह विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कोई एक जंगल विभाग दे दे, तो ये सब चीज जानना जरूरी है कि किस किस विभाग के अंतर्गत उसके रिक्त पदों पे उसको नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट देखें, खेल गांव होटवार रांची में स्थित स्टेडियम, खेल गांव जो होटवार है वहां पे जाके इंडोर स्टेडियम है उसके बारे में जानेंगे। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम ये किसके लिए है? बैडमिंटन के लिए। हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम ये किसके लिए है? वॉलीबॉल के लिए, ठीक है। फिर सिद्धू कानू बेलराम स्टेडियम, ससे सिद्धू ससे साइकिलिंग। नेक्स्ट है गणपत राय इंडोर स्टेडियम, ये जिम्नास्टिक के लिए है। तो इस ढंग से ये स्टेडियम के जैसा कि हमेशा पूछा जाता है, तो ये इंडोर स्टेडियम के बारे में पूछा जा सकता है। और मैंने स्टेडियम का भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करिए, और जो आप खेल के भूमि थे या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर वो मैं लेकर आऊंगी। थैंक यू।